राजधानी दिल्ली में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल सा गया है। आलम यह है कि दिसंबर के शुरुआती 15 दिन इस बार 6 सालों में सबसे ठंडे माने जा रहे हैं। वहीं तापमान के गिरने के साथ ही राजधानी की हवा क्वालिटी भी खराब होती जा रही है। दरअसल हवा की गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान बताने वाली एजेंसी सफर के गुरुवार यानी आज दिल्ली का AQI 337 है, जिसके अनुसार आज भी दिल्ली NCR की हवा बहुत खराब कैटेगरी में बनी हुई है। बता दें कि अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 0 से 50 के बीच रहे तो इसे अच्छी श्रेणी में रखा जाता है, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम। वही हवा की क्वालिटी 201 से 300 के बीच रही तो खराब श्रेणी आती है और 301 से 400 के बीच बेहद खराब। इसके अलावा 401 से 500 के बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में आता है। सफर के अनुसार आने वाले 2 दिनों तक शहर में और ज़्यादा ठंड पड़ सकती है। सफर के मुताबिक आने वाले 2 दिनों यानी 16 और 17 तारीख को हवा की गुणवत्ता में सुधार होने वाला है। इस दिन हवा की गति तेजी होगी, जिसके कारण AQI में सुधार भी होगा। वहीं आज नोएडा और गुरुग्राम में भी वायु गुणवत्ता ठीक ठाक ही देखने को नहीं मिले हैं। नोएडा में AQI 337 और गुरुग्राम में 330 पर बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किए गए हैं। जहरीली हवा होती को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सोमवार को एक समीक्षा बैठक के बाद राष्ट्रीय राजधानी में गैर जरूरी ट्रकों के प्रवेश पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।